दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो स्पार्क 7 मोबाइल को डिसअसेंबल किस तरह करेंगे, दोस्तों इसको किस तरह खोलेंगे। तो सबसे पहले आप इसका सिम ट्रे निकाल दें, सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर निकाल दें और इसके बाद इसके पेज खोलने हैं। पहले नीचे वाले पेज खोल दें और इसका जो सब बोर्ड होता है जिसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है उसको निकाल कर बाहर रख दे। दोस्तों सारे पेज खोलने, एक भी बाकी ना रहे क्योंकि इसके आपका कवर नहीं खुलेगा, अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो ये टूट जाएगा, फिर आपको फिटिंग में मसला पैदा होगा। तो ये छोटा सा कवर निकाल कर चार्जिंग फ्लेक्स वाला जो जेक होता है उसको उतार दे। वो पेच उतारते वक्त ध्यान रखें जहाँ से जो पेच निकाला था वहीं पर वही पेच दोबारा लगाना है। ये छोटा बोर्ड निकाल ले, इसके बाद ये ऊपर वाले पेच खोल ले। इन पेचों को अलहदा अलहदा रखें क्योंकि इसमें अक्सर छोटे बड़े पेच होते हैं, फिर दोबारा लगाने में ये मसला करेगा। और फिंगरप्रिंट का सेंसर निकाल ले, उसके बाद ये कवर खोल दे। सबसे पहले आपने बैटरी को डिसकनेक्ट करना है। बैटरी को डिसकनेक्ट करने के बाद इस मेन बोर्ड पर दो पेच होते हैं उनको उतार दे। अगर आप पेच नहीं निकाल को बोर्ड को खींचोगे तो ये बोर्ड टूट सकता है। इसके बाद डिस्प्ले जैक निकाल दे और एंटीना का जो केबल है उसको निकाल ले। तो दोस्तों ये हमारा मेन बोर्ड हो गया और ये एंटीना केबल हो गया। अभी इसे हम कैमरे डिस्कनेक्ट करते हैं, लेकिन कैमरों के साथ एहतियात करें, इसका लेंस बहुत नाजुक होता है, ये बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है या इसमें गर्द वगैरह चला जाता है। तो इसको एहतियात से एक जगह पर रख दे जहाँ पर गर्द वगैरह ना हो। तो दोस्तों हमारा मोबाइल डिसअसेंबल हो गया है।